अपोजिशन का हुकूमती बजट मुस्तरद, मौजूदा इक्तिसादी सूरतेहाल तबाह हो चुकी है। हुकूमत कोरोना के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है। ये बजट गरीब दुश्मन बजट है। अपोजिशन रहनुमाओं के तब्दीली सरकार पर वार, बोले अपोजिशन अराकीन को बजट की कॉपियां फराहम नहीं की गई। हुकूमत ने अपना बोझ गुज़िश्ता हुकूमतों पर डालने की कोशिश की। पिछले बजट में जो वादे किए गए उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। अवाम के पास आटा, चीनी और पेट्रोल नहीं है, यही उनकी दो साल कारकर्दगी है। सिंध के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की गई, इससे बुरा बजट तारीख में नहीं आया होगा। टारगेट्स डिटर्न किए हैं वो भी बिल्कुल गैर मंतकी हैं और कोई इसमें जो है वो जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, इक्तिसादी तौर पे इकॉनमी जो तबाह हो चुकी है उसके मुतलक कोई। आज जिस अंदाज से उन्होंने बजट पेश करने की कोशिश की, बजट की कॉपियां तक हमारे मेंबरान को नहीं दी गई और उन्होंने खुद से ही एक कार्रवाई डालने की कोशिश की है। सारा मलबा जो है वो उन्होंने पिछली हुकूमतों पर डालने की कोशिशें की हैं। एक साल में तीन तीन बजट पेश करते रहे, नए नए टैक्सेस लगाते रहे। कोई सहूलत, कोई रिलीफ इस बजट में नहीं दी गई। गुज़िश्ता बजट में जो वादे किए गए थे एक भी पूरा नहीं हुआ, उल्टा और हम माइनस की तरफ जा रहे हैं। हर बात में बहाना, लोगों के पास पेट्रोल नहीं है, चीनी नहीं है, आटा नहीं है, ये तो इनकी दो साल कारकर्दगी है। अब कहते हैं जी कोरोना की वजह से, पर हर चीज़ पर तकरीबन कट लगा है और खुसूसन सिंध के साथ तो बहुत बड़ी ज्यादती है।